के ऊपर झूठा मुकदमा वापस लो। बेगूसराय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन पार्टी के मटिहानी लोकल कमेटी के आह्वान पर आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पार्टी समर्थित दर्जनों महिला सहित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज को बुलंद किया। इस दौरान पार्टी के नेता अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जिले के मटिहानी एवं नया गाँव थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार और मानवता विरोधी कार्य के खिलाफ एसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। उन्होंने बताया कि नयागांव थाने में कार्यरत दरोगा अजय राय के मानवता विरोधी गतिविधियों और अपराधियों से साठ गांठ के खिलाफ प्रदर्शन की जा रही है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आगे आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। हितकारी बनाना सरोकार से जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। थाना को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, इनकलाब जिंदाबाद। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मटिहानी लोकल कमेटी के आह्वान पर मटिहानी प्रखंड के नया गांव थाना और मटिहानी थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार अपराधियों से साठगांठ, घुसखोरी, रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी और खास करके नया गांव थाना के भ्रष्टतम दरोगा अजय राय के मानवता विरोधी तानाशाही क्रूर रवैयों के खिलाफ थाना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सवाल पर आरक्षी सेवा को जनहितकारी सेवा बनाने के मांग को लेकर के आज ये धरना, ये प्रदर्शन आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के समक्ष हमारा आयोजित किया गया है कि घूस लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करना। आप देखिए, अभी हाल ही में चमथा कॉलेज में जब फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आपके पत्रकार भी वहां गए और जब उन लोगों ने आपत्ति की और जब उन्होंने इस मामले को उठाया 53 सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा करके, उस पर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। ये शर्मनाक है, लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। रक्षक ही भक्षक बनने को बेताब है। आरक्षी संविधान में जो प्रावधान रखा गया, आरक्षी सेवा जनता के रक्षा के लिए है, लेकिन आज जनता की रक्षा के सवाल पर घुसखोरी करके, रिश्वतखोरी करके, एजेंटों से कमीशन लेकर के झूठा मुकदमा दर्ज करना फितरत हो गया है। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर हमारा आज संघर्ष शुरू हो रहा है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग थाना को भी घेरेंगे, कलेक्टरेट को घेरेंगे और जितने भी जन सरोकार के कार्यालय हैं, सब जगह हमारा आंदोलन लगातार चलेगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अंजनी।